हम किसी भी एक धरातल पर चित्रों का निर्माण करते हैं, कोई भी धरातल हो, कागज, कपड़ा, कैनवस, जमीन, भित्ति, कोई भी चीज़, जिस भी चीज़ पर हम चित्रों का निर्माण करते हैं वो उस चित्र का धरातल होता है। धरातल मतलब वो स्पेस जिस पर हम चित्र बनाते हैं। उस स्पेस पर हम जैसे ही एक बिंदु लगाते हैं वो धरातल दो तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। स्पेस जिसको हम कहते हैं, स्पेस माने चित्रों में धरातल से अभिप्राय है। चित्रों की संरचना में धरातल या स्पेस दोनों एक ही चीज़ है। ये हमारा स्पेस है जिस पर हमको चित्र बनाना है। अगर हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया तो जितनी स्पेस पर हम ड्रॉ करते हैं वो हमारा पॉजिटिव स्पेस हो जाता है, और जो खाली स्थान होता है उसको हम निगेटिव स्पेस कहते हैं। हमारा ये जो पूरा धरातल है इसको हॉरिजेंटल लाइन से हम डिवाइड करते हैं। ये हमारा पृष्ठभूमि कहलाता है, ये हमारा अग्रभूमि कहलाता है। ये पृष्ठभूमि हो गया। जितनी भी चीज़ें हमें दुनिया में दिखाई देती हैं वो सब चीज़ें हमारी इस ज़मीन पर खड़ी होती हैं। आकाश में कुछ खड़ा नहीं होता। क्षितिज रेखा जिसको कहते हैं हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं क्षितिज रेखा। क्षितिज रेखा के ऊपर किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। जो पेड़ है, जो झोपड़ी है, यहाँ केवल बादल, सूर्य और चंद्रमा और चिड़िया, इसके अलावा कुछ नहीं है। एरोप्लेन, इसके अलावा आकाश में कुछ नहीं है। ये हमारा क्षितिज है, इसलिए क्षितिज रेखा, इसको बोलते हैं क्षितिज रेखा या हॉरिजेंटल लाइन। धरातल के बिना, पृष्ठभूमि के बिना कोई भी चित्र रचना संभव ही नहीं है। धरातल नहीं होगा तो हम रेखांकन का कार्य भी कैसे करेंगे, आकार भी कैसे बनाएंगे? तो कोई ना कोई पृष्ठभूमि या स्पेस या धरती कुछ तो होना चाहिए जिसके ऊपर हम चित्र की रचना कर सकें। टेक्सचर का जो इम्पोर्टेंस है वो भी कम नहीं है। डिफरेंट तरीके के टेक्सचर, क्या टेक्सचर क्या मतलब, धरातलीय प्रभाव। आपने शरीफा देखा होगा, शरीफे का टेक्सचर डिफरेंट है, पपीते का टेक्सचर डिफरेंट है, एप्पल का टेक्सचर डिफरेंट है, सोफे का टेक्सचर डिफरेंट है, हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी टेक्सचर डिफरेंट होता है, सिल्क का डिफरेंट है, कॉटन का डिफरेंट है, वूलन का डिफरेंट है। तो जिस तरीके से हम दैनिक क्रियाकलापों में देखते हैं कि हमें डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट टेक्सचर्स की होती हैं, उसी तरीके से चित्रकला में भी हम धरातलीय प्रभाव को दिखाए बिना चित्र को पूरा नहीं कर सकते। कोई चीज़ें हमारे निकट हैं तो उसको हमें ब्राइट दिखाना पड़ता है, उसको हमको टेक्सचरल इफेक्ट, जैसे इसमें डिफरेंट तरीके के टेक्सचर दिखाए हैं। ये डॉट्स 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 करके बनाया है। यहाँ पर प्लेन टेक्सचर है जिस पर लिखा हुआ है। यहाँ से हमने, ये गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का सेंटर पॉइंट पे हमने सोचा कि यहाँ ईश्वर की शक्ति है, एनर्जी है, सोल एनर्जी जो है वो यहाँ है सेंटर में। ये स्पायरल बनाया क्योंकि मन में घूम रहा है। इसमें से रेजेस निकाली हैं और ये इसको, ये सारा का सारा यहाँ आके समाहित हो गया। रंगों की विविधता को दिखाने के लिए, डिफरेंट तरीके के आकारों को प्रस्तुत करने के लिए हमको डिफरेंट तरीके के टेक्सचर्स बनाने पड़ते हैं, ताकि कुछ चीज़ें आगे कुछ चीज़ें पीछे, क्योंकि हमारे चित्र तो होते हैं द्विआयामी, हमको बनाना होता है उसमें त्रिआयामी, या हमको डिस्टेंस दिखाना होता है, पर्सपेक्टिव दिखाना होता है, तो उस सब के लिए हमको डिफरेंट तरीके के टेक्सचर्स दिखाने पड़ते हैं। तो टेक्सचर्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना धरातल। धरातलीय प्रभाव को ही टेक्सचर कहते हैं। धरातल को अलग अलग तरीके से, जैसे आकाश बनाया हमने सीधा सादा नीले रंग से बना दिया, पृथ्वी को बनाया हमने पीले रंग का या येलो कलर से या बर्न साइना कलर से किसी से भी बना दिया। उसके बाद हमको उसमें डिस्टेंस दिखाने के लिए हमने थोड़ी सी घास बना दी, थोड़ा सा झोपड़ी बना दी, उसके पीछे गाय बना दी, उसके पीछे घर बना दिया। तो इस तरीके से हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके का टेक्सचर देने के लिए ही हमको डिफरेंट तरीके के कलर्स, डिफरेंट तरीके के शेड्स, डिफरेंट तरीके के टोन्स और इस तरीके से बना के अपने चित्र को पूर्णता देनी पड़ती है।